आइए देखते हैं किशोर पार्क में दर्शकों लोग से। और आपने जो मिला है कानून मंत्री रविशंकर बाबूजी से, अरुण कुमार विधायक से, तो आपको कैसा लगा? देखिए सर, ये तो अच्छी बात है कि मिलने के लिए वो खुद शिवाजी पार्क में आए थे, ठीक ना, यहाँ पे आए तो सभी व्यक्ति से मिले जुले समर्थ रहे, समझे, बैठे। और ये आदमी जो है थोड़ा दिलचस्प आदमी है और भाजपा के आगे बढ़ा के चलेंगे, ठीक ना। और हम यहाँ पे घूमने के लिए आए तो देखें कि यहाँ पे आए हुए हैं और हम मिले उनसे। आपको कैसा उनसे के साथ लगाव लगा कि वो किस तरह का प्रवृत्ति के आदमी है? वो फैमिली टाइप के आदमी है सर, समझे, वो पटना के निवासी है, फैमिली टाइप के हैं। अब विधायक जी भी हैं जो पटने के हैं, तो वो भी फैमिली है। क्या लगता है वो चुनाव के बाद काम करेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसा बोलेंगे खामोश? सर वो तो फिल्मी दुनिया के हैं, वो रंगछू आदमी है, समझे, उनका कोई कहना नहीं है, कहीं कुछ करें कुछ, इनका कुछ जो तीन बार से लगातार बनते आए हैं, ये कुछ करेंगे और ये करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ये शत्रुघ्न सिन्हा जी पिछले बार काम किए थे? नहीं, कुछ नहीं किए थे सर, किए थे थोड़ा बहुत किए थे। अच्छा, ये आप इनसे क्या उम्मीद लगा के रखे हैं? इनसे यही उम्मीद रखे सर कि युवा के प्रति कुछ जागरूकता ये फैलाएंगे, युवा को जो परीक्षा वरीक्षा में थोड़ा प्रयास होता है पढ़ने के लिए प्रोग्राम होता है, ये सब के लिए वो उसी सुविधा मुहैया कराएंगे। हाँ तो सर, क्या इस बार मोदी सरकार की राहुल सरकार? मोदी सरकार सर आए हुए थे, तो उनको आप से मिलने के बाद कैसा लग रहा है? नहीं, अभी हम लोग का पावर बढ़ा हुआ है मतदाता का, लोग आएंगे मिलेंगे, जो सबके लिए सोचेगा उसी के हम लोग वोट देंगे। तो ऐसे उनका व्यक्तिगत क्या है सुझाव है आपका? उनका हम पूरा व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, अभी तक जो चल रहा है सभी लोग जान रहे हैं, उसी के अनुसार अपना निर्णय देगा लोग कि किसको वोट दिया जाए। रविशंकर जी उसमें वो भी उम्मीदवार है। इस बार राहुल जी उम्मीद में खड़ा होंगे कि नरेंद्र मोदी जी? अब कंपैरिजन नहीं करना है, जो अच्छा काम करके दिखाएगा उसी को हम लोग अभी अच्छा तक किसी के पक्षपात में नहीं। अभी तक आपने जो देखा कि किस तरह से सरकार चलती आ रही है, राहुल जी के आने से क्या प्रवृत्ति होगी या नरेंद्र मोदी जी के आने से प्रवृत्ति होगी? देखिए, काम करके दिखाएगा तब विश्वास होगा। अभी 5 सालों में ये नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, आपको लगता है कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया? प्लस माइनस दोनों होता है, और इसमें इन्होंने भी कुछ काम किया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन हाँ अभी बहुत काम बाकी है। जो सरकार आवे उस काम को करे, सबके लिए, पूरी जनता की भलाई के लिए, किसी का पक्षपात नहीं। सर आपका नाम क्या हुआ? पप्पू कुमार गुप्ता। अभी आपने रविशंकर जी से मिला, तो आपको कैसा लगा वो? बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइए इस बार उनका जीत होगा 100%? तो सर ये बताइए कि ये कैसा दिल के लगे आपको? बहुत अच्छे लगे। और कुछ उनके बारे में बताइए। ये कानून मंत्री हैं और इस बार लोकसभा से पटना साहिब से चुने गए हैं, इसके बारे में आप बताइए। बहुत अच्छे हैं, नेता अच्छी नेता है, जीतेंगे, केंद्र में इनका बहुत अच्छा है। मोदी सरकार का ये क्षेत्र में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? काम करेंगे, अगला सरकार मोदी सरकार होगा सर, ठीक ना। रविशंकर जी के बारे में आप बताइए कि जो अभी आप उनसे मिले तो कैसा लगा, और वो आपको अभी मिलने के बाद पता चल जाता है कि कैसे वो दिल के हैं, कैसे प्रवृत्ति के हैं, वो बताइए उनके बारे में, आप बताइए सर। ये अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं। वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार चुने गए हैं, वो कार्य इस बार करेंगे? उस बार तो शत्रुघ्न सिन्हा थे, इस बार बीजेपी की तरफ से रविशंकर बाबू जी आए हैं, तो क्या वो काम करेंगे और जीतेंगे? शत्रुघ्न सिन्हा तो हवाई थे, सेलिब्रिटी थे, अभिनेता थे, उनका नाम काम सब कुछ था, और समाज में तो कभी आते नहीं थे, सेलिब्रिटी अपना कहीं पर गए वहाँ पर अपना भाई जमा लिया, लोगों का जय जयकार मना लिया, धरती का नेता है, कम से कम आते हैं, लोगों से बात करते हैं, करते हैं, मिलते हैं, कम से कम ऐसे कहाँ किसी से बात करते थे, कभी नहीं, चारों पर किसान लगा हुआ है, अच्छे आते। बताइए सर कि रविशंकर बाबू जी कैसे आपको लगते हैं? वो बिहार की आवाज है, ये बीजेपी की तरफ से चुने गए हैं, तो क्या आपको लगता है ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में ये इनका जीत होगा? कि आपसे रविशंकर बाबू जी और पटना के विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी आए हुए थे, आपके दुकान से चाय पिया, अरुण कुमार सिन्हा जी सुनते हैं कि आपके यहाँ बराबर चाय पीते हैं, और आपको रविशंकर जी के साथ मिलने के बाद कैसा लगा बताइए? लाइव है, लाइव है, अच्छा लगा, अच्छा लगा।
और अरुण जी आपके पास हमेशा आते चाय पीने के लिए। अच्छा, ये रविशंकर बाबू जी से मिल के आपको कैसा अनुभव हुआ कि ये अपना पटना से आए थे, इस बार उम्मीदवार चुने गए हैं, तो ये कार्य करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, मुझे ही करना है तो यहाँ अपने क्षेत्र में वो भी करेंगे। मिले सब पार्क में जा करके सभी युवकों से, बूढ़े से, बुजुर्ग से, लेडीजों लोग से, उन्होंने बताया किस तरह से कि जो रविशंकर बाबू जी हैं व्यक्तिगत इंसान हैं, वो लोगों के बीच रहने वाले हैं और काम भी करेंगे, जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी हैं, और उन्हें लगता है कि ये इस बार मोदी जी ही रहेंगे और मोदी जी के साथ रविशंकर बाबू जी अच्छा क्षेत्र में काम करेंगे, पटना साहिब से ये चुने गए हैं, तो ये इनका लोगों के बीच बहुत अच्छा लगाव है, बहुत ही अच्छा लगाव है।